उनकी मदरसा से पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज में एमए में सबसे ज़्यादा मार्क लेकर आए, फिर शिक्षक बने, कॉलेज के प्रिंसिपल बने, और ये करते समय सारे समाज को शिक्षित करने का एक ध्येय उन्होंने अपने रखा। और केवल कागजी पढ़ाई नहीं, तो अलग अलग डिग्री के काम भी कैसे हो सकते हैं वह भी किए, लेकिन उनके जो प्रवचन होते थे मुंबई में, वो प्रवचन के लिए आते थे मुंबई की जो मस्जिद है उसमें, और उन्होंने लिम्का का बुक का रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि 58 वर्ष वह नियमितता से हर साल आते थे, ऐसे एक बुजुर्ग। और उनकी बात जो है वो केवल लखनऊ को, लखनऊ की और मुंबई की नहीं रहती थी, तो सारे हिंदुस्तान की हो जाती थी, और सारे हिंदुस्तान की नहीं तो जहाँ जहाँ उनकी भाषा समझने वाले लोग दुनिया में हैं वहाँ उनकी आवाज़ जाती थी टेलीविज़न से, रेडियो के जरिए, और इतना ही नहीं तो कई देशों में वो जाकर भी ये जो संदेश है वो देते रहे। आज बरसी हो गई है, एक पहली बरसी है, और पहले बरसी के समय पर मैं उनको प्रणाम करने के लिए उनकी आत्मा को आया।